ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। नारद का प्रचेताओं को उपदेश बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर, इतनी अच्छी अच्छी चीजें, अमृत प्रवाह हो रहा था कल जब ये हम सुन रहे थे। उसी से आगे बढ़ते हैं 17वें श्लोक से। यथा नभसि अभ्रतमः प्रकाशा भवन्ति भूपा न भवन्ति अनुक्रमान् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयः त्वमु यतु अमु रजः तमः सत्वम् इति प्रवाह। मेरे साथ, यथा नभसि अभ्रतमः प्रकाशा भवन्ति भूपा न भवन्ति अनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयः त्वमु रजः तमः सत्त्वम् इति प्रवाहः। यथा जिस तरह नभसि आकाश में अभ्रम कहते हैं बादल को, अभ्र बादल, तमः अंधकार, प्रकाशा तथा प्रकाश, भवन्ति विद्यमान रहते हैं, भूपा हे राजाओं, क्योंकि वो राजा है ना, प्रचेता 10 हैं, 10 पुत्र किसके, प्राचीन परिषद के, उनको प्रचेता कहते हैं। न भवन्ति प्रकट नहीं होते अनुक्रमात् क्रम से एवं इस प्रकार परे परम ब्रह्मणि ब्रह्म में शक्तयः शक्तियां तो तब अमु वे रजः रजोगुण तम तमोगुण सत्वम सतोगुण इति इस प्रकार प्रभाव प्राकट या प्रभाव। मेरे साथ पढ़िए, हे राजाओ, हे राजाओ, आकाश में कभी बादल, आकाश में कभी बादल, कभी अंधकार, कभी अंधकार,
और कभी प्रकाश रहता है। और कभी और कभी प्रकाश प्रकाश रहता है, रहता इनका है, इनका प राकट्य प्राकट्य एक क्रम से होता रहता है, एक एक क्रम से क्रम से होता होता रहता रहता है, है। इसी तरह इसी इसी तरह तरह ततो रजो तथा ततो तमोगुण रजो तथा पर तमोगुण में, ब्रह्म में परब्रह्म क्रमशः में शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। समस्त शक्ति रूप में प्रकट होते हैं, कभी वे प्रकट होते हैं कभी वे प्रकट होते हैं तो कभी लुप्त होते तो हैं, कभी लुप्त तो होते कभी हैं। लुप्त होते हरे हैं। तात्पर्य माता जी, कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। अंधकार, प्रकाश तथा बादल कभी प्रकट होते हैं तो कभी छिप जाते हैं, किंतु उनके छिप जाने पर भी उनकी शक्ति बनी रहती है। आकाश में हमें बादल कभी बादल दिखते हैं तो कभी वर्षा और कभी हिमपात, कभी हम रात देखते हैं तो कभी दिन और कभी प्रकाश देखते हैं तो कभी अंधकार। इन सब का अस्तित्व सूर्य के कारण है, किंतु सूर्य पर इन परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार यद्यपि भगवान समस्त समग्र दृश्य जगत के मूल कारण है, किंतु उन पर भौतिक संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, भूमिर अपो अनलो वायु घम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इति अमे भिन्ना प्रकृतिरेषथा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, शून्य, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये आठ मिलकर मेरी भिन्न भौतिक शक्तियों का निर्माण करते हैं। यद्यपि भौतिक तत्व भगवान की शक्ति है, किंतु वे पृथक पृथक हैं, अतः भगवान पर भौतिक दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। वेदांत सूत्र इस पुष्टि करता है, जन्मादि अस्य यतः, इस संसार की सृष्टि, पालन तथा संहार परमेश्वर के अस्तित्व के कारण है। फिर भी भौतिक तंत्रों में परिवर्तनों का भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका संकेत प्रभा शब्द से मिलता है। सूर्य सदैव तेजी से चमकता है, वह बादलों या अंधकार से प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार भगवान सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति में उपस्थित रहते हैं और भौतिक प्रसर्जन से प्रभावित नहीं होते। ब्रह्म संहिता पुष्टि करती है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण जिन्हें गोविंद कहा जाता है, भगवान है। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक होता है, वे सबों के मूल स्रोत हैं। उनका अन्य स्रोत नहीं है और वे समस्त कारणों के कारण हैं। यद्यपि वे समस्त कारणों के कारण हैं तो भी वे परम यानी दिव्य हैं और उनका रूप सच्चिदानंद है। कृष्ण सभी वस्तुओं के आश्रय हैं और यही समस्त शास्त्रों का अभिमत है। इस दृश्य जगत का दूरस्थ कारण कृष्ण तथा निकट कारण प्रकृति है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि प्रकृति को प्रत्येक वस्तु का कारण मानना वैसे ही है जैसे बकरी के गल स्तन को दूध का कारण मानना। यद्यपि भौतिक प्रकृति इस दृश्य जगत का निकृष्ट कारण है, किंतु मूल कारण तो नारायण अथवा कृष्ण है। कुछ लोग मिट्टी के पात्र का कारण मिट्टी को मानते हैं। हम कुम्हार के चाक चाक में प्रचुर मिट्टी देखते हैं जिससे अनेक पात्र बनाए जाते हैं, और यद्यपि अल्प ज्ञानी व्यक्ति कहेंगे कि पात्र का कारण चाक के ऊपर रखी मिट्टी है, किंतु जो ज्ञान में बड़े चढ़े हैं वे कुम्हार को आदि कारण मानते हैं क्योंकि वही मिट्टी लाता है और चाक चलाता है। भले ही दृश्य जगत की उत्पत्ति में भौतिक प्रकृति सहायक कारक के रूप में हो, किंतु वह परम कारण नहीं है। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सच्चराचरम्। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और समस्त चल तथा अचल प्राणियों को उत्पन्न करती है। परमेश्वर भौतिक शक्ति पर अपनी दृष्टि डालते हैं और इस चितवन से प्रकृति के तीनों गुण
उद्वेलित होते हैं, फिर सृष्टि उत्पन्न होती है। निष्कर्ष यह हुआ कि प्रकृति इस भौतिक जगत का कारण नहीं है, परमेश्वर ही समस्त कारणों के कारण है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी तरह समझाया प्रभुपाद ने कि भगवान कारण तो हैं सारे भौतिक चीजों के, लेकिन उन पर भौतिक चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण दिया सूर्य का, बादल, बादल कभी पानी बरसाते हैं, कभी छिन्न भिन्न हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। आपने देखा बादल कभी कभी छोटे टुकड़ों में बढ़ते हैं, फिर गायब भी हो जाते हैं। जो भी परिवर्तन होता है ये सब बादल हैं किसकी वजह से? सूर्य की वजह से। लेकिन सूर्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल सही, सूर्य पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि सूर्य आपको ढका हुआ लगता है जब बादल लगते हैं, लेकिन वो हमारी प्रॉब्लम है, सूर्य की नहीं। सूर्य के रास्ते में कोई आ जाए तो सूर्य की किरणें रुक जाती हैं, लेकिन सूर्य पर ऐसा कोई असर नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह से इस भौतिक जगत का कारण भगवान है, सर्व कारण कारणम भगवान है। ये भौतिक सृष्टि भगवान ने की है, आपको पता ही है ना, ब्रह्मा जी से करवाई, बुद्धि दी उनको, सब कुछ हमको इतना तो पता लग ही गया है। लेकिन भगवान पर भौतिक चीज का कोई असर नहीं होता है, ये समझाने का कोशिश किया नारद ने, फिर प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। तेन एकम आत्मानम अशेष देहि नाम कालम प्रधानम पुरुषम परेशम स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम आत्म एक भावेन भजत्वम अद्धा। मेरे साथ तेन एकम आत्मानम अशेष देहि नाम कालम प्रधानम पुरुषम परेशम स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम आत्म एक भावेन भजत्वम अद्धा। शब्दार्थ है तेन, अतः एकम एक आत्मानं परमात्मा को अशेष अनंत देही नाम देहों का कालम काल समय प्रधानम भौतिक कारण पुरुषम परम पुरुष परम ईशम दिव्य नियंता स्वतेजसा अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ध्वस्त बिलग गुण प्रवाहम भौतिक प्रभाव से आत्म आत्मा एक भावेन एक के रूप में स्वीकार करने से भजध्वम भक्ति में लगो अद्धा प्रत्यक्ष। मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर समस्त कारणों के कारण है, अतः वे समस्त जीवों के परमात्मा हैं, और वे निकटवर्ती तथा सुदूर कारण हैं, क्योंकि वे भौतिक प्रसजनों से विलग हैं, अतः वे उनकी अनन्य क्रियाओं से मुक्त हैं, और प्रकृति के स्वामी हैं, अतः तुम्हें उनसे गुणात्मक रूप से अपने आप को अभिन्न मानते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। नारद कह रहे हैं प्रचेताओं को, भगवान की सेवा करो, गुणात्मक रूप में तुम में भगवान में कोई फर्क नहीं है, ये बता रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कल्पना गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।
श्री पढ़िए। प्रभुपाद जी से तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा वैदिक परिगण गणनाओं के अनुसार सृष्टि के तीन प्रकार हैं, काल, अवयव और सृष्टि कर्ता। ये तीनों मिलकर त्रिआत्मक अर्थात तीन कारण कहलाते हैं। इन्हीं तीन कारणों में इस संसार की सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है। ये समस्त कारण भगवान में पाए जाते हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है कि सर्व कारण कारणम, इसलिए नारद मुनि प्रेचेताओं के को प्रत्यक्ष कारण भगवान की पूजा करने का उपदेश देते हैं। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, वृक्ष की जड़ सींचने से वृक्ष के सारे अंग अनुप्राणित हो उठते हैं। नारद मुनि के उपदेश अनुसार मनुष्य को सीधे भक्ति में लगना चाहिए, इसी में सारा पुण्य कर्म आ जाता है। चैतन्य चरितमृत का कथन है, इसने भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। जब कोई भक्ति परमेश्वर श्री कृष्ण की पूजा करता है, कोई भक्त परमेश्वर श्री कृष्ण की पूजा करता है। प्रभु जी थोड़ा ऊपर कर दीजिए, करता है तो वह स्वतः अन्य सारे पुण्य कर्म करता है। इस श्लोक में स्व तेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कभी भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते, यद्यपि वे सब भगवान की ही आध्यात्मिक शक्ति से निःसृत होते हैं। जो लोग वास्तव में इस ज्ञान में निष्णात है, वे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका संबंध भगवान से ना हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता माता। तो ये भगवान से संबंध है हर एक चीज का, क्योंकि उन्हीं से उद्भूत होती है। भगवान सब कारणों के कारण हैं, लेकिन भगवान का ये याद रखे, भौतिक चीजों से उन पर प्रभाव नहीं पड़ता भगवान पर। उन्नीसवां श्लोक है, दया सर्व भूतेषु संतुष्टा येन केन वा। हाँ, ये पहले श्लोक में नारद ने कहा समय मत बर्बाद करो, भक्ति करो भगवान की। ये कहा, ये शब्द मैं भूल गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसमें जो प्रभुपाद ने लिखा है तात्पर्य में। समय बर्बाद मत करो, भगवान की भक्ति करो। ये सब समझ आ गया, भगवान सब कारणों के कारण हैं। एक जो इस चीज को समझने में समय लगता है, क्योंकि हमारी गर्दन अकड़ी रहती है। हम अपने को इतना विद्वान समझते हैं कि हम सोचते हैं नहीं, ये जो भगवत गीता कह रही, भागवतम कह रही, इससे क्यों सुनना है, हमको खुद समझना चाहिए। वो उस अकड़न से हमारा समय बहुत बर्बाद होता है। तो सबसे बड़ी चीज है, नारद को तो विश्वास करिए, असुर भी नारद पर विश्वास करते हैं। सुरु को तो छोड़ दीजिए, असुर भी विश्वास करते हैं नारद का। तो हमें क्या हो गया, ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पुत्र नारद हैं, नारद के शिष्य वेद व्यास हैं, ये कह इतने बड़े आचार्य हैं, ये कह रहे हैं, इनकी बात को मान लीजिए और भक्ति शुरू कर दीजिए। ये दया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केन वा, सर्व इंद्रिय उपासांत्या च तुष्यति आसु जनार्दन। मेरे साथ पढ़िए, दया सर्वभूतेषु, दया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केन वा, संतुष्टा येन केन वा, सर्व इंद्रिय उपासांत्या च तुष्यति आसु जनार्दनः, दया दया दिखाने से सर्वभूतेषु समस्त जीवों पर संतुष्टया संतुष्ट होने से, येन केन वा, किसी न किसी तरह सर्व इंद्रिय समस्त इंद्रियां उपशांत्या बस में करके च भी तुष्यति संतुष्ट होता है। आशु तुरंत जनार्दन समस्त जीवों का स्वामी। मेरे साथ पढ़िए, समस्त जीवों पर दया करने से
समस्त जीवन पर दया करने से, येन केन प्रकार से, संतुष्ट रहने से, संतुष्ट रहने से, तथा इंद्रियों को वश में करने से, मनुष्य भगवान जनार्दन को, मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है, बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। ये अमृत वाणी नहीं है तो क्या है? देखिए, सब जीवों पर दया करने से ये इनके इन प्रकार संतुष्ट, सबसे बड़ी चीज है हम खुश रहें। जब हम खुशी नहीं है तो हम पर किसी चीज का असर नहीं होता। सबसे चीज है भक्त का, यही बात है। भक्त हमेशा खुश रहता है, क्यों? आश्रय भगवान का है, उसको किसी चीज का डर नहीं। तो ये खुश रहना, संतुष्ट रहना, और हमको इंद्रियों को वश में करना है, तो भगवान एकदम खुश हो जाते हैं हमसे। अगर हम सभी संभाव रखें जीवों पर और खुश रहें और अपने इंद्रियों को वश में करें, तो भगवान हमसे शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं। यही तो कृष्ण भावना मृत है। भगवान को खुश करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। ये है, ये अब अगर आपका भगवान से प्रेम उमड़ जाए तो यह अवश्य होगा। जिससे आपका प्रेम होता है आप उसको संतुष्ट करना चाहते हैं, वह आपका बेटा हो, बेटी हो, वह आपकी पत्नी हो या आपके आपका पति हो, आप उनको संतुष्ट करना चाहते हैं तो वही करते हैं आप जो उनको चाहिए। और भगवान को हमें क्या चाहिए? भगवान क्या चाहिए अपने लिए? भगवान को कुछ नहीं चाहिए हमसे, क्या दे सकते हैं हम तो दरिद्र हैं उनके सामने। लेकिन अगर हम खुश रहें और सब जीवों पर समभाव रखें और अपने इंद्रियों को वश में करें, तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधा रति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा भक्त भगवान को संतुष्ट कर सकता है। इनमें सबसे पहली है दया सर्वभूतेषु, अर्थात समस्त बद्ध जीवों पर दया दिखाना। दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना। संपूर्ण संसार इस ज्ञान के अभाव से पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि भगवान ही सभी वस्तुओं का मूल कारण है। ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर चुके हैं, उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए, जिससे लोग उसे ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सकें। सर्वभूतेषु शब्द सार्थक है, क्योंकि ये न केवल मनुष्यों के लिए वरन 84 लाख योनियों में प्रकट होने वाले समस्त जीवों के लिए आया है। भक्त न केवल मानव जाति को लाभ पहुंचा सकता है, अपितु समस्त जीवों को भी। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो पौधे, पशु तथा कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करके मनुष्य समस्त जीवों पर दया करता है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने के लिए भक्तों को सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना चाहिए। नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन विभज्यति स्वर्गापवर्ग नरकेश वपी तुल्यार्थ दर्शिनः भागवत 6.17.28। भक्त को उपदेश कार्य के लिए यदि नरक में भी जाना पड़े तो उसे परवाह नहीं रहती। यद्यपि भगवान वैकुंठ में हैं, किंतु वे सुअर के शरीर में भी वास करते हैं। नरक में उपदेश करते हुए भी शुद्ध भक्त शुद्ध बना रहता है, क्योंकि वो निरंतर भगवान की संगत में रहता है।
इस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में रखनी होती हैं। जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। ये बहुत बड़ी बात है इंद्रियों को वश में करना, क्योंकि यही इंद्रियां हमको सताती हैं। जब इनको इंद्र विषय देखते हैं तो ये हमारे वश में हो जाएं और हम भक्ति में रत हों। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एक सेंटेंस लिखा कि मैं सोच रहा था कि सभी जीवात्माओं को हम कैसे खुश रख सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जोर से जपो, उनको भी फायदा होता है। तो ये हमारे लिए बहुत सरल विधि प्रभुपाद ने बता दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे चारों ओर जितने भी कुत्ते बिल्ली सुअर जो भी हैं उनको भी फायदा होता है ये महामंत्र सुनने से। तो इसलिए महामंत्र को थोड़ा जोर से जहाँ पर जपने का जरूरत है, कहीं पर जोर से नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं धीरे करो हमको डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप धीरे से करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं है, लेकिन कीड़े मकोड़े हैं आपके सामने, तो आप जब ये वो सुन रहा है उसको लाभ हो रहा है, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। ये तो फिर हमारे लिए बड़ी अच्छी विधि होगी। एक तो ये है कि सब जीवों से आप संभाव रखिए, किसी को भी बद्ध जीव हैं सारे उनको परेशान मत करिए। तो कभी हम करते हैं उनको तंग करते हैं वो मत करिए, और उनके सामने हरे कृष्ण महामंत्र बोल दीजिए, ये हो गया उनका कल्याण। अपहत सकल एषण अमल आत्मनि अभिरत्तम एदित भावनो भावना उपहूतः निज जन बस गत्वम आत्मनो अयन न सरति छिद्रवत अक्षरः सतामि। मेरे साथ पढ़िए। अपहत सकल एषण अमल आत्मनि अभिरतम एदित भावना उपहूतः निज जन बस गत्वम आत्मनो अयन न सरति छिद्रवत अक्षरः सताम ही। बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। शब्दार्थ अपहत परास्त हुई सकल सभी एषण इच्छाएं अमल निष्कलंग आत्मनि मन को अविरतम निरंतर एधित बढ़ते हुए भावना भाव से उपहूतः बुलाया जाकर निज जन अपने भक्तों के वश नियंत्रण में गत्वम जाते हुए आत्मना अपने अयन जानते हुए न कभी नहीं सरति दूर चला जाता है छिद्रवत आकाश की तरह अक्षरह भगवान सताम भक्तों को ही निश्चय ही। मेरे साथ पढ़िए समस्त इच्छाओं के दूर हो जाने से। कितनी बड़ी बात भक्तगण समस्त मानसिक विकारों यानी कलमश से मुक्त हो जाते हैं। हाँ इच्छा नहीं है तो मानसिक कलमश हो ही नहीं सकता। इस तरह वे भगवान का निरंतर चिंतन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हमारे इच्छाएं हो, नहीं तो अरे ये हो जाए ये हो जाए मन उनमें लगा रहता है, और जब इच्छाएं खत्म मन सिर्फ भगवान में लगा रहता है निरंतर।
भगवान का चिंतन, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब हम जपते हैं इसमें स्वाद आने लगता है, बहुत अच्छा लगता है, एक माला और जपूं ऐसा मन करता है। और उनको भाव पूर्वक संबोधन कर सकते हैं, भगवान अपने को अपने भक्तों के बस में जानते हुए उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते, जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश कभी अदृश्य नहीं होता, हाँ इसी तरह भक्त भी भगवान से अलग कभी नहीं होता। कब? जब उसकी इच्छाएं दूर हो जाती हैं तो मन एकदम भगवान में लग जाता है। तो ये देखिए हमारे लिए इच्छाएं कितनी खतरनाक है, इच्छाएं डिजायर, एक आपको दिखाया था 15वें अध्याय में, वो पेड़ 15वें अध्याय में था नहीं 13वें अध्याय में, उसमें दिखाया था कि वो बीच में डिजायर है, उस तरफ भगवान है, इस तरफ हम हैं। तो ये हमारे इच्छाएं इतनी खतरनाक होती हैं। इच्छाएं हमारी अगर अगर अनुकूल हो, इच्छा भगवत प्राप्ति हो या भगवान की सेवा करने की हो, वह इच्छा बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। इच्छा अपने शरीर को सजा के रखने की, अपने बाल संवारने की, अपने फेस में ये कुछ लगा के ठीक करने की, ये इच्छा नहीं, ये इच्छा हमारे अपने को दिखाने की है, भगवान को दिखाने की, भगवान को खुश करने की, वो इच्छा जिससे भगवान खुश होते हैं। दो चीज बहुत ही अच्छी बताई है, एक तो इंद्रियों को वश में करना, एक एक हरे कृष्ण महामंत्र जपना, ये बहुत बहुत सरल हो जाता है। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्ण त्रि माता जी, हरे कृष्ण, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा पिछले श्लोक से यह स्पष्ट है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन अपने भक्तों के कार्यों से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। शुद्ध भक्त सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचार में मग्न रहता है, जैसा कि कहा गया है, श्रीरत शकता कृष्ण, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहने से शुद्ध भक्त का हृदय समस्त प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। इस भौतिक संसार में जीव का हृदय भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रहता है, किंतु जब जीव शुद्ध हो जाता है तो वो किसी भौतिक वस्तु के विषय में नहीं सोचता। मन के शुद्ध हो जाने पर उसे योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि तब योगी को अपने अंतकरण में सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन होते रहते हैं। ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः, जीव की श्री भगवान भक्त के हृदय में वास करने लगते हैं, भक्त प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं होता, तब तक वो इन गुणों के बस में रहता है, वो उनके वस्तुओं की इच्छा करता है और इंद्रियों सुख के लिए अनेक योजनाएं बनाता है, किंतु हृदय में भगवान के दर्शन होते ही सारी भौतिक इच्छाएं भाग जाती है। मन में जब मन भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है तो भक्त श्री भगवान का निरंतर चिंतन कर सकता है और वो श्री भगवान के चरण कमलों पर पूरी तरह से आश्रित हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, श्री नंद तनुजं पतितं मां विषमे अवां बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय, हे भगवान मैं आपका शाश्वत दास हूँ, किंतु न जाने कैसे इस भवसागर में गिर गया हूँ, कृपया मुझे निकाल कर अपने चरण कमलों की धूलि में लगा लीजिए। शिक्षाष्ट का 5। इसी प्रकार श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हा प्रभु नंद सुत विश्व भानु
सुताजुत करुणा करो को एई पार नरोत्तम दास कय नाथुलियो रांगा पाय तोमा बिने के आछे आमार हे भगवान आप राजा विश्वभानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी समेत उपस्थित है। अब आप दोनों मुझ पर कृपालु हो, कृपया मुझे दूर न भगाए क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। यद्यपि श्री भगवान अजय है किंतु ये अपने भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं। वे अपने भक्तों पर आश्रित होकर उसी प्रकार प्रसन्न का अनुभव करते हैं जिस प्रकार श्री कृष्ण माता जशोदा की कृपा पर आश्रित रहकर करते थे। वे अपने आप को भक्तों के बस में रहे हुए सोचकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राजा कभी कभी विदुषक रख लेता है और परिहास में कभी कभी राजा का अपमान भी हो जाता है किंतु तो भी राजा इन कार्यों से आनंदित होता है। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत सम्मान पूर्वक से भगवान की पूजा करता है अतः कभी कभी से भगवान अपने भक्तों की प्रताड़ना का भी आनंद लेता लेना चाहता है। इस प्रकार से भगवान तथा उनके भक्तों का शाश्वत संबंध स्थिर हो जाता है जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं इसलिए कहते हैं कि भगवान आपको मन वांछित फल दे सकते हैं, भक्त इतने जल्दी नहीं देते क्योंकि भक्त अगर आप भगवान ने आपके सिर में हाथ रख दिया भक्ति के लिए तो भगवान आपके अंडर हो जाते हैं। फिर आप भगवान को कुरुक्षेत्र के युद्ध में नचा सकते हैं, दाएं चलो बाएं चलो आगे चलो पीछे चलो। सारथी बन गए भगवान अर्जुन के और अर्जुन भगवान को ऑर्डर देता है दाएं मुड़िए प्रभु बाएं मुड़िए केशव इधर करिए उधर करिए रथ को हाँकिए इधर ले जाइए। ये कर सकते हैं भक्त भगवान को ऑर्डर दे सकता है। ऐसी परिस्थिति आती है इतने भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं वो भगवान से आप कुछ भी कराते हैं और आपने देखा है कैसे द्रौपदी को भगवान मदद करते रहे और कई भक्तों को एक नहीं कई भक्तों को भगवान कितनी मदद करते रहे। तो भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं इसलिए भक्ति इतनी सरल नहीं है प्राप्त करना, भगवान का भक्त बनना तो लेकिन सरल है एक तरीका। अगर आप भगवान की आराधना करते रहेंगे कभी नहीं हो सकता है। भगवान के भक्त की सेवा करिए, भगवान के भक्त की भगवान का जो भी भक्त आपको लगता है इसके ये इनकी मैं सेवा करूं उनकी सेवा करिए। भगवान के दास के दास के दास का दास बनने की कोशिश करिए। भगवान का दास है आपको पता है भगवान के दास इतने बड़े बड़े भक्त हैं, नारद हैं वेद व्यास हैं, हम वहां नहीं पहुंच सकते। उनके अभी भक्त हैं जो हमको अच्छे लगते हैं वो क्या हुए भगवान के दास के दास के दास के दास के दास के दास के दास। अभी उनके हम दास बने उनकी सेवा करें तो हमारा कल्याण हो सकता है। ये हमेशा याद रखिए भगवान के भक्त की सेवा नित्यम भागवत सेवया, भागवत की सेवा करना करने से हमको बहुत फल मिलता है तो भगवान खुश होते हैं उससे। और अपनी भक्ति आपके बिल्कुल लगी हुई है और इंद्रिय अपने बस में हैं, भगवान एकदम आपके अधीन हो सकते हैं। न भजते कुमनीषिणाम सहिज्याम हरि अधन आत्मधन प्रियो रसज्ञः सुतधन कुल कर्मणाम मदेहये विदधति पापम अकिंचने सुसत्सु। मेरे साथ पढ़िए न भजते कुमनीषिणाम सहिज्याम हरि अधन आत्मधन प्रियो रसज्ञः
हरि की धन आत्मा धन प्रियो रस यहाँ सुत धन कुल कर्मणाम मदहे सुत धन कुल सुत धन कुल कर्मानं कर्मणाम मदहे दिये विदधति पापम अकिंचने सुसत्सु विदधति विदधति पापम अकिंचने सुसत्सु। शब्दार्थ है ना कभी नहीं भजति स्वीकार करता है कुमनीषिणाम मलिन हृदय वाले पुरुषों का सह वह इज्जाम अर्पित हरि भगवान अधन निर्धन आत्मधन केवल भगवान पर आश्रित रहने वाले प्रिय प्रिय रसज्ञ जीवन के रस को स्वीकार करने वाला रसिक शुद्ध शिक्षा धन संपत्ति कुल वंश कर्मणाम तथा कर्म का मदय गर्व से ये जो विदधति संपन्न करता है पापम तिरस्कार अकिंचनेषु निर्धन सत्सु भक्तों का। मेरे साथ पढ़िए भगवान उन भक्तों को अत्यंत प्रिय होते हैं जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है ये पहली कंडीशन और बड़ी बड़ी चीजें इसमें बता रहे नारद। जिनके पास आपके भौतिक संपत्ति नहीं है तो फकीर है भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं किंतु जो भगवत भक्ति को ही अपना धन मानकर प्रसन्न रहते हैं हाँ तो संपत्ति है हमारे पास क्या भगवत भक्ति वो संपत्ति मान करके खुश रहता है उससे भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। दरअसल दरअसल भगवान ऐसे भक्तों के भक्ति कार्यों का आनंद लेते हैं भगवान ऐसे भक्तों के भक्ति कार्यों का आनंद लेते हैं जो लोग अपनी शिक्षा जो लोग अपनी शिक्षा संपत्ति संपत्ति कुलीनता कुलीनता और सकाम कर्म इत्यादि और सकाम कर्म इत्यादि भौतिक वस्तुओं के मद से फूले रहते हैं भौतिक वस्तुओं के मद से फूले रहते हैं हाँ फूले रहते हैं या अकड़े रहते हैं वे कभी कभी वे कभी कभी भक्तों का उपहास करते हैं भक्तों का उपहास करते हैं। ऐसे लोग यदि भगवान की पूजा करते भी हैं तो यदि भगवान की पूजा करते भी है तो वे उसे कभी स्वीकार नहीं करते कभी स्वीकार नहीं करते। नारद कह रहे हैं सत्य है अगर क्यों क्योंकि अपने को वो भक्ति करता है सुबह उठ के नहाता है भगवान का अभिषेक करता है भक्ति करता है लेकिन इतना गर्व है अपने ऊपर कि वो औरों को भक्ति को उपहास करता है। भगवान के भक्त जो है वो एक चप्पल दो कपड़े पहने हुए ऐसे रहते हैं और उनके वो मजाक करता है उनका उपहास करता है तो भगवान उसकी भक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते ये बताया गया। तात्पर्य माता जी हरे कृष्ण सुषमा भद्रा माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर आश्रित हैं वे अभक्तों की भेंटे तक स्वीकार नहीं करते। शुद्ध भक्त वह है जो अनुभव करता है कि उसके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं है। भक्त सदैव भगवान के भक्ति रूपी धन से प्रसन्न रहता है। भक्त कभी कभी भौतिक दृष्टि से निर्धन प्रतीत होते हैं किंतु आध्यात्मिक रूप से उन्नत तथा संपन्न होने के कारण भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। ऐसे भक्त परिवार समाज मित्रता संतान इत्यादि के प्रति आसक्ति से मुक्त होते हैं। वे इन समस्त भौतिक वस्तुओं के प्रेम को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सदैव प्रसन्न रहते हैं। भगवान भी अपने भक्त की स्थिति को समझते हैं। यदि कोई शुद्ध भक्त का उपहास करता है तो वह भगवान द्वारा कभी अपनाया नहीं जाता। दूसरे शब्दों में यदि कोई शुद्ध भक्त का अपमान करता है
तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। महान योगी दुर्वासा मुनि ने परम भक्त अम्बरीश महाराज का अपमान किया था। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से दुर्वासा को दंड दिया। यद्यपि वह परम योगी सीधा भगवान के पास गया, किंतु उसे क्षमा नहीं मिली। जो लोग मोक्ष के पथ पर हैं, वह उन्हें सावधान रहना चाहिए कि शुद्ध भक्त का कभी अपमान ना करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। क्योंकि शुद्ध भक्त का अपमान भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान का अपमान कर दो आप, भगवान से माफी मांग लो, चल सकता है। अगर भगवान के भक्त का हमने उपहास किया या उसका अपमान किया, उसको कोई कष्ट पहुंचाया, तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल है। दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को तंग करने का कोशिश किया, भगवान का सुदर्शन चक्र चला गया, ये उनके गर्दन उड़ाने के लिए दुर्वासा मुनि के। भागते फिरे, भगवान के पास पहुंचे, क्योंकि दुर्वासा मुनि तो वैकुंठ में भी जा सकते हैं। भगवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे भक्त से माफी मांगो, गलती तुमने की है वही तो मैं माफ कर सकता, मैं नहीं। ये है भगवान के भक्त को, इसलिए अपराध कभी नहीं करना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। श्रियम अनुचरतीं तद अर्थिनश्च त्रिपत्पतीं बुबुधांश्च यत् स्वपूर्णः न भजते निज प्रत्यवर्ग तंत्रः कथम अमुम उद्विसृजेत पुमान कृतज्ञः। मेरे साथ श्रियम अनुचरतीं तद अर्थिनश्च न भजते निज भृत्य वर्ग तंत्र कथम अमुम उद्विसृजेत पुमान कृतज्ञः। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शब्दार्थ है। श्रीयम लक्ष्मी जी को अनुचरतीं अनुसरण करने वाली, तत् उसका, अर्थिनः कृपाकांक्षी च तथा द्विपदपतीन मनुष्यों के स्वामी को, विबुधान देवताओं को च भी, यत् क्योंकि स्वपूर्ण आत्मनिर्भर न कभी नहीं भजति परवाह करता है निज अपना नृत्य वर्ग भक्तों पर तंत्र आश्रित, कथम कैसे अमम उसको उद्विसृजेत छोड़ सकता है। उमान व्यक्ति कृतज्ञ आभारी कृतज्ञ। मेरे साथ पढ़िए, यद्यपि श्री भगवान आत्मनिर्भर हैं, यद्यपि श्री भगवान आत्मनिर्भर है, किंतु वे भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं, किंतु वे भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। वे न तो लक्ष्मी जी की परवाह करते हैं, वे न तो लक्ष्मी जी की परवाह करते हैं, और न उन राजाओं तथा देवताओं की, जो लक्ष्मी जी के कृपा भाजन बनना चाहते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति होगा, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो वास्तव में कृतज्ञ होते हुए, जो वास्तव में कृतज्ञ होते हुए भगवान की पूजा न करे, भगवान की पूजा न करे। तात्पर्य हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रपाद द्वारा श्रील प्रपाद की जय। ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी की पूजा सभी भौतिकवादी व्यक्ति करते हैं, जिनमें बड़े बड़े राजा महाराजा तथा स्वर्ग के देवता भी सम्मिलित हैं, किंतु लक्ष्मी सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पीछे पीछे लगी रहती हैं। यद्यपि श्री भगवान को उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं रहती, ब्रह्म संहिता का कथन है कि श्री भगवान की पूजा हजारों लक्ष्मियां करती हैं, किंतु श्री भगवान को उसकी किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि
क्योंकि यदि उनकी इच्छा हो तो वो अपनी अलहादनी शक्ति से लाखों लक्ष्मियां उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु वही श्री भगवान की अहेतुकी कृपावश अपने भक्तों के आश्रित बन जाते हैं। तो वह भक्त कितना भाग्यशाली है जिस पर श्री भगवान की ऐसी कृपा है। ऐसा कौन कृतज्ञ भक्त होगा जो श्री भगवान की पूजा और भक्ति नहीं करने लगेगा। वास्तव में भक्त क्षण भर के लिए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को भूल नहीं सकता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा कहते हैं कि श्री भगवान तथा उनके भक्त दोनों ही रजसज्ञ अर्थात दिव्य रस से परिपूर्ण होते हैं। श्री भगवान तथा भक्त के पारस्परिक अनुराग को कभी कभी भौतिक नहीं समझना चाहिए, ये सदैव दिव्य सत्य के रूप में विद्यमान रहता है। दिव्य अनुभूतियां अर्थात भाव, अनुभाव, स्थायी भाव इत्यादि 8 प्रकार की हैं, जिनकी विस्तृत व्याख्या भक्त रसामृत सिंधु में की गई है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण तथा जीव की स्थिति में अनजान है, वे भक्त तथा श्री भगवान की पारस्परिक आसक्ति को भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न मानते हैं। वास्तव में यह आसक्ति श्री भगवान और उनके भक्त दोनों के लिए प्राकृतिक है और इसे भौतिक नहीं माना जा सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये पल्लवी माता जी का बहुत धन्यवाद है, उन्होंने ये दिव्य अनुभूतियां ये इन्होंने उसमें ग्रुप में डाली थी, मैं उसको नोट नहीं कर सका, मांगूंगा कभी उनसे। ये भाव अनुभाव, भाव भगवान का भाव और ये अनुभाव है उनका मैनिफेस्टेशन, कैसे निकलता है। भाव है भगवान की भक्ति का प्रेम, और निकलता कैसे है, कभी आप चिल्लाते हैं, कभी आपका पसीना होता है, कभी आपके बाल खड़े हो जाते हैं, कभी आप हंसने लगते हैं, इस प्रकार से इनका मैनिफेस्टेशन होता है। बहुत सुंदर ढंग से भक्ति रसामृत सिंधु में समझाया गया है। एक श्लोक और करते हैं। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो राजन् अन्याश्च भगवत कथा श्रावयित्वा ब्रह्मलोकम् ययौ स्वायम्भुवो मुनिः। मेरे साथ मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो राजन् अन्याश्च भगवत कथा श्रावयित्वा ब्रह्मलोकम् ययौ स्वायम्भुवो मुनिः। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा इति इस प्रकार प्रचेतसः प्रचेतागण राजन, हे राजन अन्य अन्य लोग च भी भगवत कथा भगवान विषय कथाएं श्रावयित्वा निर्देश देकर ब्रह्मलोकम ब्रह्मलोक को ययौ चला गया स्वयंभुव भगवान का ब्रह्मा का पुत्र मुनि ही परम साधु, ब्रह्मा जी का पुत्र नारद है ना, इसलिए। मेरे साथ पढ़िए, मैत्री ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, हे विदुर, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि ने, प्रचेताओं से भगवान के साथ, प्रचेताओं से भगवान के साथ इन संबंधों का वर्णन किया, इन संबंधों का वर्णन किया। तत्पश्चात वे, तत्पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए, ब्रह्मलोक को चले गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रीला प्रभु बात की जाए, मनुष्य को भगवान के विषय में शुद्ध भक्ति से सुनना होता है। प्रचेताओं को यह अवसर महर्षि नारद मुनि से प्राप्त हुआ, जिन्होंने भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यों का उनसे वर्णन किया, वर्णन किया। और हम इतने भाग्यशाली हैं, नारद के वचन भी सुन रहे हैं और भगवान के परम भक्त श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य भी उनका हम पढ़ रहे हैं। दोनों चीज हमको मिल रही है, भगवान के भक्त से सुनना चाहिए हमेशा और प्रभुपाद से हम सुनते हैं।
ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। ओम अज्ञान तिम्रांताक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुर्मितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचाज देश तारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता।